सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज नितिश बलेरिया व्लॉग्स। गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं व्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं सब्जी मंडी गया था। आप जैसे देख सकते हैं पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये है मंडी का रोड जो कि बीच में से पड़ता है, शॉर्ट रास्ता पड़ता है सीधा ये। तो बस सुबह 4 बजे मंडी आया था, तो उस टाइम तो अंधेरा था। फिर सोचा कि आप लोग करना, अभी मंडी में भी आपको पता है कि बहुत सारा क्राउड होता है, तो वहाँ भी लोग कर नहीं सकते क्योंकि आपको आवाज़ नहीं क्लियर आएगी। अभी शूट करने लगा हूँ मैं मंडी से, जैसे फ्री हुआ है देख सकते हैं पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है। और ये रास्ता छोटी छोटी तंग तंग गलियाँ हैं, इससे निकलना पड़ता है। और बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, क्योंकि सामान ज़्यादा था और अकेला था मैं, तो मेरे साथ भी कोई नहीं था। तो अभी टाइम तो तकरीबन 8:30-9 के बीच में हो चुका है। बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, एक तो सामान रास्ते से लेना है, फिर सीधा शॉप पे। देख सकते हो आप लोग सारे पीछे, सारा सामान पीछे पड़ा हुआ गाड़ी में। और बस इस रास्ते थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है क्योंकि छोटी सी गली है और साथ साथ में घर हैं। कई बार बच्चे अभी स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, तो बड़े तरीके से चलना पड़ता है यहाँ पे। ऐसे देख सकते हैं आप लोग सामने, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, और ये रास्ता भी थोड़ा वैसा ही है। बस मेरे को लग जाएगा एक आधा घंटा लग जाएगा दुकान पे पहुँचते पहुँचते। और बताओ सब बढ़िया? बढ़िया होंगे भाई, बढ़िया हूँ। ये देखो पास में अंडे पड़े हुए हैं, अंडे को भी बड़े मुश्किल से पहुंचाना पड़ता है क्योंकि टूटने का डर रहता है। अकेले बंदे से ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कैमरे को होल्ड करना, गाड़ी का गियर बदलना, स्टेयरिंग को पकड़ना बड़ा मुश्किल से हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा मेन रोड पर आ चुका हूँ, मेन रोड भी नहीं कह सकते इसको, बस पठानकोट की बीच की गलियाँ हैं ये। अभी मेरे को रास्ते से किसी ने फूल मंगवाए थे मेरे से, किसी के घर में थोड़ा सा पूजा पाठ का प्रोग्राम सा है, तो वो लेने हैं। फिर उसके बाद सीधा ही मेन रोड हाईवे पकड़ के तो अपने शॉप की तरफ निकलना पड़ेगा। थोड़ी दूर सामने मंदिर आता है कि वहाँ पे मिलते हैं फूल, अभी देखना पड़ेगा मिलते हैं कि नहीं मिलते। मिल जाएंगे तो ले लेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर देखेंगे आगे पीछे, अगर कहीं मिलते हैं तो। वो सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको, बस वहीं से लेने हैं, पता करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। एक हाथ से गाड़ी चलाना, उसी हाथ से फोन भी देखना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फूलों का सौदा हो चुका है भाई से। कोई गल नहीं, पाओ ये भाई जी डाल रहे हैं, और ये सामने मंदिर है। थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था किसी भाई का कि फूल लेने मेरे लिए, तो मैं चलो पकड़ लूँगा अगर रास्ते से मिल गए तो। बस ऐसा ही कुछ, आज का दिन धूप निकल चुकी है, मौसम साफ है बिल्कुल, और भाई साहब डाल रहे हैं फूल। भाई भजन भूजन तो भाई फूलों का काम तो हो गया। अभी भाई साहब ने बिना अंदाजे से डाल दिए थे फूल, तो मैंने कहा चल भाई साहब यार वजन करवा दो इसका। वो तो मेरे को बोल रहा था कि होता कि फूल तो ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं यार, किसी को दे दिया किसी ने मंगवाए हैं, अगर कम हो गए तो किसी पे चक्कर पड़ जाएगा। तो वो ज़्यादा ही निकले, बाइक का ताजा सही था। चलो फूल तो ले लिए, अपना अपना काम तो हो गया, अभी निकलते हैं घर की ओर। और आपको आगे चल के मिलता हूँ, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऐसे मेन रोड पे आता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मैं आ गया हूँ मेन हाईवे पे NH 44 पे, और तंग गलियों को पीछे छोड़ के
रोड पे पहुंच चुका हूं। बस यार मुश्किल से हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि राइट हैंड से स्टेयरिंग पकड़ना पड़ रहा है, राइट हैंड से गियर डालना पड़ रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, जो कि बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। वो मेन हाईवे पे वैसे भी देख के चलना पड़ता है, गाड़ी भी चल रही है, जैसे सामने देख सकते हैं आप लोग बसेस भी खड़ी हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी इस टाइम ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, लोग आने जाने वाले लोग बहुत होते हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो बस ये सामने आप लोग देख सकते हैं फ्लैग लगे, कल रविदास जी का जन्मदिन था, तो वहाँ में यहाँ पे प्रोग्राम होता है सामने, तो सारे फ्लैग लगे हुए हैं कल के। तो कल तो वैसे मैं नहीं आया था, क्योंकि अगर कल आता तो कल तो जाम बहुत तगड़ा था यहाँ पे लगा हुआ, कल अपना काम नहीं था पठानकोट कोई भी, और आज मंडी जाना था, तो आज तो बस सही है, अगर कल आता तो कल यहीं पे लगे था टाइम। बस अभी किसी का फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन देख लेता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई लोग जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी उस भाई का फ़ोन आया था, इसके फूल लाया था मैं, मेरे को कहता कि मैं तो फूल मिल गया मेरे को, मैंने कहा नहीं भाई अभी तो मैंने ले लिए हैं, अभी तो फिर होता, फिर चलो कोई बात नहीं ले आओ, हमने अपना काम कर दिया, अभी इनको कहीं से मिल गया, अभी कहता हमें मिल गए, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो मिल गए। अभी सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे मंदिर आ गया, शिव भोले शंकर जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि बंदे का फ़ोन आया मेरे को, बोलता भाई फूल रहने देना मैंने ले लिए है, और मैंने कहा भाई यार मैंने भी ले लिए अभी, अभी आप बता रहे हो मेरे को यार, तो कहता चलो कोई बात नहीं ले आना, फिर पता क्या होता है अभी अगर पहले फ़ोन करते तो मैं नहीं लेता, अभी मैंने भी ले लिए अभी तो फिर लेने तो पड़ेंगे उनको, तो बोलता कोई बात नहीं ले आओ फिर। चलो अभी आप सामने देख सकते हो व्यू, ये मंदिर तक चढ़ाई चढ़ने पड़ती है पठानकोट से, फिर आगे आगे एक डाउन आ जाता सारा रास्ता, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे भी, सारी जगह नबडाल मंदिर की है, जितना भी है एरिया सारा जंगल एरिया सब नबडाल मंदिर का है, ये होटल वगैरह जो दिख रहे सब लीज पे है जगह सारी, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी सारा सारा का सारा व्यू, ये काफ़ी अच्छा मौसम खुला हुआ आज तो वैसे। बस ऐसे अपनी दिन की शुरुआत होती है रोज, मंडी हफ्ते में तीन चार से पांच चक्कर तो हफ्ते में लगते हैं मंडी के, उस हिसाब से चलना पड़ता है। आज पिछवाड़ वैसे डाला तो हुआ है, देखो कल जाना पड़े या नहीं, क्योंकि संडे को मंडी बंद रहती है, कल सैटरडे है, देखो क्या बनता है कल, बाकी सब सही है बढ़िया। बाकी आप देखो रोड के नज़ारे, जैसे कि आपने पीछे रोड का व्यू देखा पहले, अभी मैं कल वाली जगह जो आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी उसी जगह पहुंच चुका हूं, फाटक पे, ये सामने देख सकते हैं फाटक आ चुका है, फाटक है बंद, कल तो बाई चांस खुला मिल गया था, आज बंद है, तो अभी पता नहीं कितनी देर यहां पे रुकना पड़ेगा और कितनी देर नहीं, ये फाटक भी लंबा बंद रहता है क्योंकि दूसरी साइड काम लगा हुआ रेलवे का, अंडर ब्रिज बन रहा है और इसी रास्ते से सब दुनिया जाती है अभी, तो बस अभी देखते हैं कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आगे सामान भी देना है किसी को, चलो देखते हैं कब तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पे खड़े होके। भाई लोग जैसे ही आप देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है, तो अभी देखता हूँ कितनी देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, अगर एक ही ट्रेन होगी तो फाटक खुल जाएगा, एक और होगी तो बंद रहेगा, बस ऐसा ही है फाटक का सिस्टम पानी, लगता है फाटक खुल ही जाएगा, मैं सभी ने गाड़ी स्टार्ट कर तो ली है अपनी अपनी, अभी देखते हैं क्या होता है, अगर तो खुल जाएगा तो सही है, मेरे को शॉप पे भी जल्दी पहुंचना है, सामान भी देना है किसी का, फूल भी देने हैं जाके,
गेट मैन तो दिख नहीं रहा सामने। देखो क्या बनता है, कितनी देर रुकना पड़ेगा और टाइम भी लगता है। दूसरे फोन पे चेक करना पड़ेगा कितना हो गया। फाटक तो गया फुल, आगे जाके मिलता हूँ आपको। रोड ज्यादा टाइट है थोड़ा सा, तो फोन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो ऐसे ही रास्ता क्रॉस करता हूँ, क्योंकि कल तो आपको दिखा दिया था रास्ता ये मैंने। अभी आप सामने देख ही सकते हैं कितना ट्रैफिक है। तो ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ पे फंसने का ज्यादा डर रहता है। तो जैसे ही निकलता हूँ यहाँ से फिर मिलता हूँ। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं वो रास्ते से निकल के मेन रास्ते पे आ चुका हूँ। तो लास्ट में आके थोड़ा सा फंसा था, गाड़ी आ गई थी आगे से एक, उसको तो जैसे तैसे कभी क्रॉस कर लिया। अभी आप देख सकते हैं मेन रोड पे आ चुका हूँ मैं। फोन हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेफ्ट हैंड से फोन पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड पे गियर है गाड़ी का, गियर लगाना फोन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ऊपर से सामने से धूप पड़ रही है बड़ी तेज, आपने देखा होगा मेरे को काफी बार अपने फेस को मसलते हुए, सामने से धूप पड़ रही है, सीधी दिख नहीं रहा कुछ आगे। ये सामने रोड है सारा, अभी सीधे ही जाना है मेरे को यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर अपना गांव पड़ता है और फिर अपनी शॉप आती है। तो देर तो काफ़ी हो चुका हूँ मैं, और तो रोड में खड्डे बहुत सारे हैं, यहाँ पे बड़ा बच कर निकलना पड़ता है कहीं। ज़्यादा डर तो घंटों का ही रहता है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। देखो सामने से ये रास्ता दूसरा आता है जो खड्डे में से निकल के आता है, ट्रैक्टर आया नीचे से यहाँ से। राइट हैंड से मेरे को स्टीयरिंग पकड़ना पड़ रहा है, राइट हैंड से गियर डालने पड़ रहे हैं, बड़े मुश्किल हो रहा है मेरे को। चलो क्या करना है, आप लोगों के लिए शूट करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या बोलती पब्लिक, ट्रैक्टर वाले से साइड लेनी है, मगर अब आगे से बाइक आ चुकी है एक, तो जैसे जगह मिलती है तो साइड लेते हैं इससे। रास्ता तो आप देख ही सकते हो, ज़्यादा चौड़ी रास्ता तो है नहीं, सॉरी ज़्यादा चौड़ा रास्ता तो है नहीं। क्या करें भाई, लोग नए नए ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, अभी कई बार गलती भी हो जाती है, कुछ वर्ड स्लिप भी हो जाते हैं मुंह से। तो चलो तो जैसा भी लगे, कोई हंसेगा कोई कुछ बोलेगा, बढ़िया, अपने ऊपर टेंशन नहीं है, बस अपने रियल ब्लॉग हैं जो वो दिखाएंगे, कुछ फेक नहीं है इसमें, सारा कंटेंट रियल होगा। थोड़ा बहुत कट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकता कि अनकट है, कुछ कट भी करना पड़ेगा एडिट करते समय। कल का व्लॉग भी शूट हो रखा है मेरा, अभी उसको भी मैंने एडिट नहीं करा हुआ, तो कल जाके पहले उसको करूँगा फिर इसको करेंगे। टाइम कम लगता है ना, अभी शॉप पे जाना है सामान लगाना है, फिर वो बाइक घर जाएगा, घर से आएगा, फिर मेरे को घर जाना पड़ेगा, मेरे को जाते जाते 12 बज जाएंगे घर। कब ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच सब साथ में होता है। ये लगता है ऑटो वाले को ज़्यादा थोड़ी जल्दी है, कोई बात नहीं इसको जाने देते हैं आगे। हम लोग जैसे चल रहे वैसे चलते रहते हैं, देख ही सकते हो आप लोग, गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, पर फिर भी किसी ना किसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे जाके शॉप पे जाके मिलता हूँ आपको। तो भाई अपने अड्डे की मार्केट में पहुँच चुका हूँ मैं अभी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने, वो सामने रही अपनी शॉप, ऊपर करके शॉप है अपनी, सामने खड़ा है भाई, मनु भी आ चुका है सुबह सुबह, मिलते हैं उनसे और मिलवाते हैं आपको भी। सामने देख सकते हो यहाँ से भी बैक करनी पड़ेगी गाड़ी मेरे को, पीछे भी देखना पड़ेगा, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा।
मन्नु गाड़ी बैक करवाता हुआ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमें शॉप पे आ चुका हूँ अपनी, और ये सारा सामान हमने जो लाया था सुबह लगा दिया है, सब्जी सारी लगा दी है। तो बस अभी मैं बैठा हूँ शॉप पे, भाई आएगा फिर उसके बाद जाना मुझे पड़ेगा घर, क्योंकि नहाना भी है अभी, खाना खुना भी खाना है, सारा काम देखना है। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ, कब तक आएगा वो, उस टाइम वो आएगा तो फिर मेरे को जाने का टाइम मिलेगा घर को। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ आ गया, भाई आ गया दुकान पे, तो अभी मेरी घर जाने की बारी आ गई है, तो अभी मैं बस निकल रहा हूँ घर के लिए। जो भी सब्जी के रेट रेट वगैरह वो बताऊँगा उसको भी, तो फिर घर जाके नहाना धोना है, तो बड़ा काम अभी पड़ा हुआ। तो चलो चलते हैं, रास्ते भी मिलते हैं आपको। ठीक है भाई, चलिए ओके। तो गाइस अभी मेरी घर जाने की बारी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे घर का रोड है, तो ये अपनी बाइक है स्प्लेंडर, जी बस इतनी टाइम पास। और सुनाओ ठीक ठाक है? तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, सीधा घर पहुंच गया था। तो बस घर आके नहाया धोया फ्रेश हुआ और खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर फोन चलाया, तो मैं सोचा ब्लॉग शूट कर ब्लॉग को यहीं रेडी कर लेता हूँ। बस रीडिंग करता करता पता नहीं कब नींद पड़ गई और सो गया, तो अभी उठा हूँ तो देखा ब्लॉग को एंड नहीं करा, तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर लेते हैं बस। चलो तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय शंकर।